नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, क्योंकि 71,661 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जैसे ही मंजूरी मिली है, तब से ही इस पर एक तरह से हो हल्ला सा मच गया है। क्योंकि एक धड़ा जो है जो नहीं चाहता कि भर्ती हो, वो ये चाहता है कि 67,867 की लिस्ट को जब भी ज्वाइनिंग मिले एक साथ मिले। इसके अलावा एक धड़ा है वो चाहता है कि जिसको जो भी हाथ में मिल रहा है अभी उसे लेने दो 71,661 वालों को। साथियों, दो धड़े बढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात तो हम ओबीसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। एमआरसी पर जो मामला था उसमें कहा गया है ओबीसी आयोग के निर्णय के खिलाफ भर्ती पर आंदोलन की चेतावनी दी है ओबीसी के अभ्यर्थियों ने, जो एमआरसी प्रकरण को लेकर। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने क्या कहा, रोक के बावजूद भर्ती ना करे सरकार, विभाग का दावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दे रहे हैं नियुक्ति, उन्होंने साफ साफ कह दिया विभाग की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, अंडरलाइन में मैंने कर रखा है, उधर बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का कहना है कि आयोग को भर्ती में ओबीसी वर्ग को दिए गए आरक्षण की वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भी जानकारी आयोग को दी गई है। विभाग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही नियुक्ति कर रहा है। उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कह दिया है कि हमने विभाग को डाटा अपना एक तरह से अवगत करा दिया है, किस तरीके से हम 71,661 पदों को भरने वाले हैं। साथियों, सबसे पहली बात तो ये लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि शिक्षा मित्र इसमें रहेंगे, तो मैं कह रहा हूँ 8,018 जो शिक्षा मित्र हैं, 60-65 पर पास कैंडिडेट हैं, वो इस 71,661 की लिस्ट में बने रहेंगे। सबसे पहली मुख्यतः बात ये है कि जनरल के जो कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक, अगर मैं बता दूँ, जिन्होंने किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं लिया है जनरल की रैंक तक, 14,218 कैंडिडेट है जनरल के, ये मान के चलिएगा 71,661 कैंडिडेट 71,000 लिस्ट में, वो अपने आप को सेफ समझें। 14,218 की रैंक तक जनरल के कैंडिडेट अपने आप को सेफ समझें। अगर ओबीसी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, चलिएगा ओबीसी एक तरह से अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का मेरे हिसाब से देखा जाए तो समथिंग 35,000 या 36,000 की रैंक तक ओबीसी का कैंडिडेट जो भी होगा वो अपने आप को सेफ समझे 71,661 की लिस्ट में, ये मान के चलिए उसका चयन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम एससी की अगर बात करें, तो एससी का गुणांक जिसका 64 है या 65 के समथिंग अप्रॉक्स मान के चलिए, 64 या 65 समथिंग जिसका गुणांक है, वो अपने आप को सेफ समझे, उसका सिलेक्शन हो जाएगा 71,661 की लिस्ट में, ये मान के चलिए। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों का मानना है क्या लिस्ट चेंज होगी। देखिएगा साथियों, लिस्ट बनेगी, क्योंकि देखिए 71,661 का आरक्षण लगाया जाएगा, उसी आधार पर बनाया जाएगा, तो जनरल के खाते में सीट जाएंगे 15,831 सीटें जाएंगी। उसके अलावा 27% आरक्षण ओबीसी के लगेगा, पर 21% आरक्षण एससी के लगेगा साथियों, क्योंकि लिस्ट तो ऑटोमेटिक चेंज होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है क्या जिले परिवर्तित होंगे, सरकार के ऊपर निर्भर करता है साथियों, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो जिले परिवर्तित नहीं करेगी, जो जिले पहले जिनको आवंटित हो चुके हैं उन्हीं में जिलों में भेज दिया जाएगा, ये भी हो सकता है एक निर्णय अगर सरकार तरफ से। अगर सरकार चाहे अगर जिले परिवर्तित करती है तो ये मान के चलिएगा, पर जो 7 दिन का समय है वो 7 दिन का समय नहीं लगेगा, उसमें टाइम बढ़ जाएगा, उसमें टाइम लगता है जिले आवंटन करने, क्योंकि फिर उन्हें काउंसलिंग भी करानी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से मुझे तो यही समझ में आ रहा है, सरकार लिस्ट तो चेंज कर देगी, ठीक है, मान के चलिए 71,661 के सापेक्ष आरक्षण लगा देगी, ठीक है। और मुझे ऐसा समझ में आता है जिसको जो जिला पहले मिला था उसी जिले में पुनः वहाँ पर भेज दिया जाएगा लोगों को, और आप काउंसलिंग हो सकता है 1 या 2 दिनों के अंदर। क्योंकि देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूँ, ये जो निर्णय आया है वो निर्णय मुख्यमंत्री के आदेश के द्वारा दिया गया है, क्योंकि कल अगर आप लोगों ने डिबेट में देखा होगा, साफ साफ उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री का साफ साफ आदेश है, उन्होंने भर्ती करने का 1 सप्ताह का समय दिया है, और उन्होंने स्वयं कहा है कि नियुक्ति पत्र हम खुद बांटेंगे, और नियुक्ति पत्र की रही बात तो ऑनलाइन दे दिए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ये एक बड़ा निर्णय निकल के आ रहा है कि 71,661 पर सरकार अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाली है, और उसने साफ साफ कह दिया कि हम 71,661 पदों की भर्ती को 2 पार्टों में भरने वाले हैं, 69,000 भर्ती को एक पार्ट हो जाएगा। देखिए साथियों, ऐसा होता है ना, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम होता है, तो पुलिस के एग्ज़ाम में अगर जैसे ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं, तो सबसे पहले जो हाई मेरिट वाले होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, उसके बाद जो लो मेरिट वाले होते हैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वही प्रोसेस इसमें होने वाला है, जिनकी हाई मेरिट है उनको एक पार्ट 71,661 का बना दिया गया, और दूसरा पार्ट जो बचेगा 37,300 पद को होल्ड किया गया, तो वो पार्ट दोबारा भेजा जाएगा निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है साथियों। ठीक, तो बिल्कुल भी परेशान देखिएगा, समस्या ये है, अगर जो लोग सोच रहे हैं अगर स्टे ले लें सुप्रीम कोर्ट से, देखिए कुछ लोगों को जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, देखिए कुछ लोगों को समस्या ये है, आप हो या हम हो कोई भी हो, अगर जो कैंडिडेट 71,661 की लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है साथियों, ठीक है, तो उसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि जो भर्ती होनी चाहिए वो एक साथ होनी चाहिए 67,867 की, जो लिस्ट के अंदर आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि
हमारी हो जानी चाहिए, क्योंकि दो धड़ा बढ़ चुका है ना। पहले क्या था, पहले ये था कि 60-65 का विवाद था, 60-65-40 में फिर हुआ चयन अचयनित हुआ, आप चयन अचयनित कहोगे विवाद, तो कई तरह से विवाद गहराया जा रहा है साथियों, ठीक है। अब लोग अर्जेंसी फाइल लगेंगे साथियों, अगर 7 दिन का समय बताया है, ठीक है, अगर सरकारी तरफ से कहा गया कि 7 दिन में हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, ठीक है, तो ये मान के चलिए, देखिए साथियों, क्योंकि वैसे भी बेंच देखी जाए ललित सर की, यूएलएस की 27-28 तारीख तक नहीं बैठ रही है साथियों। अगर वो अगर चाहें तो हो सकता है तो 27-28 दिन का ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दे देंगे, हो जाएगा खत्म। अगर सर देखिए समस्या ये है, आप लोगों ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस इतना हो अल्लाह मचाओ, सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा ट्वीट किसकी तरफ से किए गए थे, 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ से किए गए थे। अब जो आप लोगों ने किया है, ट्विटर पर ट्रेंड कराया है, आप लोग एक बड़ी संख्या है, तो अब उसका परिणाम है, अब 69,661 को उन्होंने भर्ती के लिए आदेश दिया, तो उस पर आप फिर आप लोगों को विचार करना है। देखिए समस्या है, कुछ लोगों को नहीं हुआ, वो आंदोलन की वो क्या कहते हैं, वो आंदोलन की धमकियां दे रहे हैं बहुत से लोग कि हम आंदोलन करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं। साथियों देखिएगा, समस्या ये है, धरना देने की ठीक है, परंतु जो है मुख्यमंत्री का आदेश है, ठीक है, मुख्यमंत्री आदेश के खिलाफ समस्या ये है, पुलिस भी कुछ नहीं करती है, ठीक। सबसे पहली बात है, आप लोगों ने देखा है मुख्यमंत्री के जितने भी आदेश हों, मुख्यमंत्री अपने स्टैंड से कभी भी पीछे नहीं हटे, सबसे पहली बात ये है। अब देखिएगा साथियों, सरकार से विचार विमर्श किया जाए, इसके अलावा अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाए, जो अगर वो उनका स्टैंड क्लियर है, तो मान के चलिए भर्ती 1 सप्ताह में होने वाली है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये मान के चलिए, आप धरना दीजिए, चाहे कुछ दीजिए, कुछ भी कीजिए साथियों, क्योंकि योगी बाबा है जो किसी की नहीं सुनता, अगर उन्होंने कह दिया कि हमें 71,661 भर्ती करना है तो करना है, और अगर इस भर्ती पर रोक लग सकती है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही रोक लग सकती है, अगर अर्जेंसी फाइल करी जाए तो स्पेशल अपील के तहत साथियों। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकार ने ठान लिया है इस भर्ती को हमें जल्द से जल्द करना है 71,661 को, ठीक है साथियों। अभी के लिए इतना ही, जितने भी साथी हमारे चैनल से नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल साथ जुड़ सकें।